कन्नौज में लोकसभा चुनाव प्रतिदिन नए मोड़ ले रहा है। समाजवादी पार्टी में लगातार उठापटक जारी है। अभी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा बड़े ही हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव के यहाँ से चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं हैं वो बहुत तेज हैं। अखिलेश यादव ने जैसे ही यहाँ पर मोहर लगाई कि तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद सपा के ही कुछ कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने गए थे। वही लोग हम लोग के साथ में, हम लोग उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ बात हुई है आप लोगों से, क्या मुलाकात हुई है और क्या कुछ मन रहा आप लोगों का। गए थे आप जी कल 9:30 बजे माननीय अध्यक्ष जी से उनके आवास में हम लोगों की वार्ता हुई। कन्नौज की जनता और कन्नौज के कार्यकर्ताओं की जनभावना को देखते हुए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कन्नौज से कोई चुनाव नहीं। तो आप लोग मतलब तेज प्रताप का नाम आया, अखिलेश जी का नाम नहीं आया, तो कितना मतलब रहा आप लोग? मायूस हो गए थे, कन्नौज की आम जनता मायूस हो गई थी। कार्यकर्ता तो हो ही गए थे लेकिन आम जनता मायूस हो गई। क्या लग रहा था कि वही आएंगे जो शुरुआती दिनों में बात थी, तो कितना उत्साह था, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने अब कन्नौज की जनभावनाओं को समझा और चुनाव लड़ने का ऐलान किया। नाम अखिलेश जी का शुरुआत से चल रहा था कि वो लगातार आ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, आप लोगों से भी मिल रहे थे कि चुनाव इशारों इशारों में बोला जाता है मैं लड़ूंगा, लेकिन तेज प्रताप का नाम आया फिर ये हुआ कि हम लोग के लिए सिंबल माने रखता है। अब आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, और अभी भी ये हुआ है कि चुनाव में, अभी भी लोकसभा चुनाव में कुछ फेरबदल हो सकता है, तो आप लोग के मन में क्या है, क्या चाहते हैं? हम लोगों मन में जो है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तेज प्रताप जी की मतलब घोषणा की थी, पार्टी ने घोषणा की थी, हम लोग स्वागत किया, लेकिन कहीं हम कार्यकर्ताओं को मायूसी आई कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर लगातार कन्नौज आते रहे और कहते रहे हम चुनाव लड़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी थोड़े दिन के लिए उनका परसों जैसा औपचारिक घोषणा हुई तो कार्यकर्ताओं में तो खैर मायूसी चाही, लेकिन आम जनता जो उनके भी अच्छा नहीं खराब लगा, उन्हें मायूसी चाही कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से लड़े चुनाव। एक बार वो लड़े कि किस लिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफ़ी दिनों से, कई सालों से कह चुके हैं कि हम कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, तो इसलिए जहाँ तक लगभग तय है, आज लगभग घोषणा भी उनकी 2 बजे हो जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगभग चुनाव लड़ेंगे और कल नामांकन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। आपको क्या लगता है कितना इस बार जो उठा पटक चल रहा है सपा में, क्यों इतना चल रहा है और आप लोग के मन में क्या है? देखिए, पार्टी में कोई उठा पटक नहीं चल रही ना मेरे लोगों के मन में। मेरे लोगों के मन में यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे। हम लोग कई महीनों से जनता के बीच में है, जनता के मुद्दे को लेकर चुनाव में है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए राष्ट्रीय नेता है और कहीं ना कहीं उनको 80 जिला के लोग भी चाहते हैं कि मेरी लोकसभा से लड़ने मेरी, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारा मुखिया हमें बार बार मौका दे रहा है और जनता की इस बार मांग है वो सिर्फ ये चाह रहा है सिर्फ अखिलेश यादव जी का नाम आ जाए और हम लोग वोट दे दें। जो 5 साल पहले गलती लोगों से हुई थी वो उसका पश्चाताप करना चाहते हैं और बहुत लंबी लीड, हमें तो ये लग रहा है जो इतिहास में लिखा है रामविलास पासवान जी का, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जो रिकॉर्ड लिखा है उस रिकॉर्ड को भी माननीय अखिलेश जी इस बार तोड़ सकते हैं कन्नौज लोकसभा से। अब ये मान लीजिए उनका रिकॉर्ड कितना 6+ है उनका रिकॉर्ड, तो हो सकता है वो रिकॉर्ड इस बार 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से गिनीज बुक में बुक लिख दिया जाए। अगर तेज प्रताप यादव का ही फाइनल हो गया फिर क्या होगा? तेज प्रताप यादव का फाइनल तब भी हम लोग जीतेंगे, तब भी हम लोग लाखों वोटर से जीतेंगे, आपके पास ये रिकॉर्डिंग रहेंगी, आप हमको फिर चार रूम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर तेजू भैया लड़ेंगे तो वो भी लाखों वोटर से, लेकिन अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है गिनीज बुक में वो नाम चढ़ जाए। अभी क्या सुगुहाट है, क्या आप लोगों को बताया गया है, कुछ पता चला है? सुगुहाट क्या, अब जनता की मांग है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर सोचा भी और उन्होंने शायद बिल्कुल कंफर्म भी कर लिया है, तो जैसा अभी बताया भी गया है शायद 2:30 बजे घोषणा हो जाएगी, वो कल नामांकन भी होगा और ऐतिहासिक नामांकन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी और हमने आपको फिर कह रहा हूँ हो सकता है गिनीज बुक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम जीत में लिख दिया जाए। ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव का नाम कर दिया? शुरुआत से तो बोल रहे थे इशारों इशारों में कि सामने ही बैठा हूँ मैं, वोट मांग रहा हूँ, बहुत सारी बातें हुई, तो उस समय जो मनोबल था कि अब इस समय क्या, किस तरह का मन हुआ जब तेज प्रताप यादव का नाम सामने आ गया? मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ लेकिन मेरे नेता ने जो आज निर्देश दिया उस पर हम लोग कार्य करेंगे सारे समाजवादी और हम लोग के अंदर कोई भी मायूसी नहीं है, जिसका भी नाम देंगे हम लोग जोश से, जिस तरीके से उसी जोश से चुनाव लड़ रहे हैं। किसको चाहते हैं? कोई भी आ जाए चेहरा, मेरा नेता जिसको चेहरा दे देंगे हम उसको लड़ाएंगे। अगले साथ आएंगे तो सो फार गुड है। अभी भी जो कयासों का दौर है सिर्फ वही चल रहा है, कुछ कार्यकर्ताओं जो मिल के आए हैं वहाँ पर उनसे बात हुई है, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि आज 2 से 2:30 बजे तक तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी और कल जो जिस तरह के कार्यकर्ता ही बता रहे हैं कि कल हो सकता है कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरें। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।